आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोराई में कोविड 19 के चलते चालक परिचालक संघ के द्वारा मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से सौंपा गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से कोराई ब्यूरो से राजकुमारी सिंगोतिया की ये रिपोर्ट है। इस ज्ञापन में कोराई के चालक परिचालकों के द्वारा ये कहा गया है कि लगभग 150-200 सदस्यों के समक्ष रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है। इसके पूर्व भी उन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया था, पर इसके बाद भी अभी तक इसका कोई स्थानीय निदान नहीं निकल पाने से लगभग 200 चालक परिचालक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा है कि 3 माह का मानदेय 7,500 रुपये प्रति माह की दर से तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष श्रम विभाग या परिवहन विभाग के जरिए उन्हें उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा वर्तमान में केंद्र सरकार से जारी सहायता राशि का कुछ अंश चालक परिचालकों का रोजगार सहायता हेतु उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा एक मांग उनकी ये भी है कि संबल योजना, गरीबी रेखा, खाद्यान्न पर्ची, आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री की बीमारी सहायता योजना आदि जितने भी योजना हैं उनके कार्ड इनके बनाए जाएं, उनका पुनः पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 17 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री द्वारा मकान में एक महापंचायत आयोजित की गई थी जिसमें चालक परिचालक आयोग के गठन एवं 10 करोड़ रुपए वार्षिक अनुदान या फंड देने की घोषणा की गई थी। उक्त व्यवस्था को तत्काल रूप से सुनिश्चित करने की मांग इनके द्वारा की गई है। इन्होंने अपने चालक परिचालक कल्याण संघ कोराई के अध्यक्ष बशर पाशा के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन को तहसीलदार को सौंपा गया है। कोराई से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से राजकुमारी सिंगोतिया की ये रिपोर्ट है। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी की सुविधा के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा वीडियो बुलेटिन के साथ ही ऑडियो बुलेटिन भी लाए गए हैं। आप ऑडियो बुलेटिन का भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। नमस्कार। दे आप लोग क्यों एकत्रित हुए? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए ये क्या कह रहे हैं जी। ये अपनी मांग बता रहे हैं कि इनकी मांगे क्या क्या हैं। सारे लोग हैं, इन लोगों के द्वारा बताया गया कि इनकी मांगे क्या क्या हैं। ये मुख्यमंत्री से, राज्य शासन से क्या चाह रहे हैं? ज्ञापन आप किसके नाम दे रहे हैं? तहसीलदार साहब के माध्यम से कहीं और भेज रहे हैं या सिर्फ तहसीलदार साहब से? समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से राजकुमारी सिंगोतिया की ये रिपोर्ट है। चलिए ठीक है। तो आपने सुना कि ये क्या चाह रहे थे चालक परिचालक महासंघ के सदस्य, राज्य शासन से इनकी मांग क्या थी, ये हमने आपको अभी दिखाया। आपने ये देखा कि इनकी मांग क्या है, ये आखिर क्या चाह रहे हैं। दरअसल 21 मार्च से सिवनी में टोटल लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। इसके बाद अभी तक 15 जून तक 21 मार्च से 15 जून तक यात्री बसों के पहिए थमे हुए हैं। रोज कमाने खाने वाले चालक परिचालकों की स्थिति को समझा जा सकता है। स्थानीय विधायक कोराई क्षेत्र के स्थानीय विधायक कांग्रेस के अर्जुन सिंह काकोड़िया इस मामले में निष्क्रिय ही नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा शायद ही कोई प्रयास अब तक किया गया हो।
अगर किया जाता तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा इस बारे में बताया जरूर जाता। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के कुरई ब्यूरो से राजकुमारी सिंगोतिया की ये रिपोर्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम इजाज़त लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए, YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए, सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE, इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको, ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए, दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियां, ज़रूरी खबरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।